राज ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत भी किया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर आ रही थी कि प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीर सामने आई है जहां पर शिवराज सिंह चौहान एमएलए प्रद्युमन सिंह लोधी को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम शिवराज से कांग्रेस एमएलए प्रद्युमन सिंह लोधी मिलने के लिए पहुंचे, और यहां पर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर मिठाई खिलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायक का स्वागत किया है। तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस एमएलए प्रद्युमन सिंह लोधी, ये सूत्रों के हवाले से लगातार खबर भी हम आपको बता रहे थे, और ये एक्सक्लूसिवली तस्वीर जो है ये भी आपको IBC24 पर हम दिखा रहे हैं। बड़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान एमएलए प्रद्युमन लोधी को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं, यानी कि सूत्रों के हवाले की जो खबर थी इस पर अब मोहर लगती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें साफ बयां कर रही है रचना की, प्रद्युमन लोधी अब कांग्रेस के नहीं रहे, बीजेपी की सदस्यता वो जल्दी लेने वाले हैं, पर कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया लगभग तस्वीरों से बिल्कुल साफ होता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया है, और एक बड़ी वजह इसके पीछे मानी जा रही थी कि बुंदेलखंड के अंदर उमा भारती का जो प्रभाव था वहां पर बड़ी संख्या में, इस पर कांग्रेस ने कास्ट सिचुएशन के चलते उमा भारती के जो समुदाय के जो लोग थे उनके कास्ट के जो लोग थे उनको टिकट दिया था, पर लेकिन उमा भारती का प्रभाव अभी भी इस क्षेत्र में इतना है कि उस वर्ग के अंदर उमा भारती की जो एक विशेष जो महत्व है वो अभी भी बरकरार है। लिहाजा उमा भारती ने 2 तारीख को जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसके बाद में ट्वीट कर इस बात पर नाराजगी जताई थी कि उनके समर्थकों की अनदेखी की गई है, उनके क्षेत्र की अनदेखी की गई है, पर अब प्रद्युमन सिंह लोधी के शामिल होने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रद्युमन सिंह लोधी मंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश सरकार में। उमा भारती की मनसा का, उनकी जो भावना था उसका ख्याल रखा जाएगा। इस बारे में अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा था कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। शायद इसकी पटकथा काफी पहले लिख ली गई थी, मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बीजेपी ने शायद प्रद्युमन लोधी से संपर्क किया था और लगभग उनकी सहमति बनती हुई नजर आई थी, और 4 दिन पहले जो जानकारी है प्रद्युमन लोधी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई, और उस समय लगभग ये स्थिति थी कि किस दिन उनको बीजेपी में शामिल होना है ये तारीख भी तय कर ली गई थी। मुख्यमंत्री का चूंकि दौरा था ग्वालियर चंबल का, और तमाम जो घटनाक्रम थे दिल्ली से लेकर मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर, उस उलझन के बीच में जब ये पूरा मामला सुलझा है तो आज जब मंत्रिमंडल के विभाग के बंटवारों की खबर थी उसी दौरान एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिहाज से बीजेपी के लिहाज से कही जा सकती है कि कांग्रेस में जो 22 विधायक पिछली बार छोड़कर गए थे, ऐसे में एक और कांग्रेस का कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए बुरी खबर इसको कह सकते हैं कि प्रद्युमन लोधी जो कि कांग्रेस के बड़ा मलेरा से विधायक थे, उमा भारती कभी यहां से विधायक रही थी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके प्रभाव वाली सीट थी, लिहाजा अब वो बीजेपी के शामिल होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में औपचारिक तौर पर वो सदस्यता लेंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से मैसेज सभी पत्रकारों को भेजे गए हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी पत्रकार गण पधारे, को जरूरी सूचना देनी है, और सूचना सबको मालूम है। तो तस्वीरें हमने बताई उमा भारती के बंगले से बाहर निकलते हुए प्रद्युमन लोधी की, और उसके बाद में मुख्यमंत्री निवास के अंदर प्रद्युमन लोधी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो अपनी जो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मिठाई खिलाते हुए, ये अब बिल्कुल साफ है कि प्रद्युमन लोधी अब बीजेपी की सदस्यता लेंगे, उनको मंत्री बनाया जाएगा। जो खबर अब सामने निकल कर आई है कि प्रद्युमन लोधी मंत्री भी बनेंगे, जो अभी तक जानकारी निकल कर आई है, हालांकि उनका शपथ ग्रहण कब होगा, इस्तीफे को लेकर क्या इस्तीफे की पेशकश वो आज ही बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले विधानसभा को सौंपेंगे, ये तमाम ऐसी फॉर्मेलिटी है जो कि पूरा होना बाकी है, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर प्रद्युमन लोधी की सदस्यता जो है बीजेपी में हो जाएगी। रचना, सुधीर जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी और तस्वीर ने बिल्कुल क्लियर जो पिक्चर है वो बिल्कुल साफ कर दी है, और जिस तरीके से ठीक उपचुनाव के पहले इस तरीके से कांग्रेस एमएलए का बीजेपी में शामिल होने की खबर जो है इस पर जब अब मुहर लग चुकी है तो ये कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस की चिंता बढ़ा देगी। देखिए, कांग्रेस उपचुनाव की तैयारियों में लगी थी, कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि उपचुनाव में अगर कांग्रेस 15 से ज्यादा सीटें जीत कर आती है तो जो बड़ा भाग जो राजनीतिक समीकरण बीजेपी ने बैठाए थे लगभग उसी तर्ज पर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, पर लेकिन सत्ता की राह से एक कदम और दूर होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। प्रद्युमन लोधी की बीजेपी की सदस्यता में अगर प्रद्युमन लोधी लेते हैं तो उसके बाद में एक कदम और सत्ता से दूर हो जाएगी, यानी कि कहना होगा कि सरकार में वापसी का जो कांग्रेस का सपना है वो और ज्यादा मुश्किल
होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ा घटनाक्रम इसको कांग्रेस के लिहाज से कहा जा सकता है कि जब कांग्रेस सरकार में वापसी की बात और दावे कर रही हो और उस समय अगर उसके विधायक टूट कर जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर की खेमे की जो एक बगावत है वो साफ समझी जा सकती है। कल ही जो मंत्री बने थे इदल सिंह कंसाना, उन्होंने कहा था कि 15 कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं थी, पर लेकिन प्रद्युम्न लोधी जिस तरीके से शामिल हुए हैं उसके बाद में बुंदेलखंड के अंदर ये माना जा रहा है कि कुछ और बड़ी संख्या में जो विधायक है हो सकता है कि वो बीजेपी के संपर्क में हो। अब जब प्रद्युम्न लोधी आए हैं तो क्या इसके बाद भी कुछ और कतार आने वाली है? जैसा कि हमने देखा था कि पिछली बार जब कुछ कांग्रेस के विधायक गए थे उसके बाद पूरी लाइन लगाकर कांग्रेस के जो 22 विधायक थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुए थे, और ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अब क्या आगे रणनीति कांग्रेस की रहेगी? एक और उपचुनाव मध्य प्रदेश के खाते में आएगा प्रद्युम्न लोधी की बीजेपी की सदस्यता के बाद में, ये भी तय हो जाएगा। पर मंत्री बनकर वो चुनाव प्रचार करेंगे, लगभग अभी तक का जो पैटर्न समझ में आया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जो विधायक शामिल हुए जिसकी बात उन्होंने दिया उनको है ज्यादातर लोगों को मंत्री बनाया गया, ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद जो समीकरण है उसके लिहाज से एक सीट अभी भी मंत्री पद की मध्य प्रदेश के अंदर खाली है, और ऐसे में प्रद्युम्न लोधी को मंत्री बनाकर जो है उपचुनाव में भेजने की तैयारी बीजेपी कर सकती है। एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से, कि प्रद्युम्न लोधी अब कांग्रेस के विधायक थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे, औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, बीजेपी के अंदर उनकी सदस्यता होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हो चुकी है और उनको बीजेपी में शामिल कराने वाली है। उस क्षेत्र की बड़ी नेता, उस वर्ग की बड़ी नेता उमा भारती, उनके माध्यम से प्रद्युम्न लोधी जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सुधीर, ये बेहद बड़ी खबर है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको IBC24 पर हम दिखा रहे हैं। आप तक सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही थी कि कांग्रेस के एमएलए प्रद्युम्न लोधी जो है वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर ने सब कुछ साफ कर दिया, पिक्चर बिल्कुल साफ कर दिया। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीर सबसे पहले आपको IBC24 पर दिखा रहे हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान के साथ एमएलए प्रद्युम्न लोधी नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने मिठाई खिलाकर प्रद्युम्न लोधी का स्वागत भी किया है, और यही तस्वीर जो है इससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, आपसे अपडेट लगातार जरूर लेते रहेंगे।